हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल नेट एजुकेशन सो दिस चैनल इज़ फॉर ऑल दी एन टी जिस नेट एन जी आर एफ एसपिरेंट्स तो सो आर प्रिपेयरिंग फॉर एजुकेशन सब्जेक्ट पेपर टू सो फ्रेंड्स टुडे सेशन गोइंग टू बी रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न इम्पॉर्टेंट मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ ये जो सेशन है ये सेशन आपका कॉन्टिन्यूएशन में है जब हमने यूनिट uh, टेन को कम्प्यूटी रिवाइज किया था तो उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है रिलेटेड टू मॉडल्स तो वो हमारा मिस हो गया था तो उसको हम आज कैटर करेंगे और ये स्टूडेंट की डिमांड पर ही ये जो लेसन है ये जो सेशन है ये स्पेशली प्रिपेयर किया गया है इस सेशन के अंदर कितने इंपॉर्टेंट मॉडल्स होते हैं कौन कौन से हैं वो हमें डिस्कस करना है इन डिटेल और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट आई यानी कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम या प्लान ये आपको आज इम्पोर्टेंट हम बताने वाले हैं इसके साथ यहाँ पे इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान इसको कैसे फॉर्म uh, करते हैं कैसे ये फॉर्मुलेट होता है क्या स्टेजेस इसके अंदर इंक्लूडेड है और किस प्रोसेस में ये पूरा चलता है तो इस सब को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखना अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनी सो यू कैन आस्क मी योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन कभी भी आप पूछ सकते हैं अपना कोई भी डाउट हो uh, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है फॉर फर्दर क्वायरीज एंड क्लेरिफिकेशन ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते विद सेशन ओके सो एज ऑफ नाउ जब भी हम यहाँ पर इंक्लूजन uh, की बात कर रहे हैं या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमने लास्ट सेशन में क्या किया था हम उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं तो मैंने वी टॉक अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूजन तो इसके अंदर मेन पर्पस क्या है कि हमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है यानी कि पी डब्ल्यू डी पर्सन विद डिसेबिलिटी है इनको हमें मेन स्ट्रीप करना है इनको इंटीग्रेट करना है जो मेन स्ट्रीम है जो जो मेन स्ट्रक्चर है सोसाइटी का उसके अंदर हमें इनको इंक्लूड करना है इनके इनको इंटीग्रेट करना है ठीक है तो इंटीग्रेशन की बात करते हैं हम इंक्लूसिव या इंक्लूजन के अंदर कैसे उन्हें इंक्लूड किया जाए कैसे उन्हें उनका इंक्लूजन कराया जाए लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे आता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि कम्प्लीटली बात करता है द पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट टू एजुकेशन की कि उनको पूरा हक है कि वो इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ है उन्हें वो एक्सेस कर पाए ठीक है उनको जो उनका हक है कि फंडामेंटल राइट right है कि एजुकेशन लेना फ्री फिर कंपल्सरी एजुकेशन लेना सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स एलिमेंट्री ईयर्स तक तो वो वो ले पाए ठीक है तो कि, इनको किस तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी देना इक्वल वो एक्सेस कर पाए तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ये आ जाता है तो हमने अभी तक ये देखा था यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी पर फिर से रिकॉल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू यूनेस्को तो यूनेस्को क्या बात करते थे यूनेस्को के अकॉर्डिंग इंक्लूजन क्या था एक तरह की पॉलिसी थी एक तरह की फिलासफी थी जो इस बिलीफ पर ये टिकी हुई थी कि सारे के सारे पर्सन जो विद इन द कम्युनिटी रह रहे हैं उनको इक्वल राइट है उनको इक्वल उन्हें right उनको रिस्पेक्ट uh, करने की ज़रूरत है इक्वल उनकी वैल्यू करने की ज़रूरत है ये उनका बेसिक ह्यूमन राइट्स है ठीक है ये एक तरह का अन सेट ऑफ प्रोसेस है कि जब चिल्ड्रेन uh, या एडल्ट विद डिसबीज हैं उनको अपॉर्चुनिटी हो पार्टिसिपेट करने की फुल कम्युनिटी एक्टिविटीज भी ठीक है तो ये आपको यूनेस्को की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आपको कहा गया है अगर हम मेन क्रग्स देखें रिलेटेड टू इंक्लूजन तो वो क्या है इंक्लूजन मीन्स इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग विच टेंडेड टू बी कंसर्न प्रिंसिपली विद डिसेबिलिटी कि हमें जो पर्सन डिसेबिलिटी है उनको मेन स्ट्रीम करना है इंटीग्रेट करना है विदिन द कम्युनिटी जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर इसके अलावा यहाँ पे जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स है उनकी वो हमें प्रोवाइड करानी है एक तरह का कंड्यूसिव ठीक है एक तरह का कंड्यूसिव एक तरह का शेयर्ड स्पेस हमें उनके लिए बिल्डअप करना है ताकि वो भी इक्वली अपने आप को पार्टिसिपेट महसूस करें पार्टिसिपेटिव महसूस करें और पार्टिसिपेट करें सारे के सारे कम्युनिटी एक्टिविटीज़ कौन पर्सन विद डिसेबिलिटी ठीक है इसके अलावा जब भी हम यहाँ पे इंक्लूजन इंक्लूजन uh, की बात करते हैं या इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो मेन रोल क्या होता है कि उनको यहाँ पे जो उनकी नीड्स है स्पेशल नीड्स है उनको केटर करना कंडूसिव इन्वामेंट बनाना उनके लिए उन्होंने अकोमोडेट करना अकोमोडेशन करवाना मेन स्ट्रीम में ठीक है यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन एफिस होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर ना कि प्लेसमेंट इन एजुकेशन ठीक है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट क्या आ, क्या बात होती है कि हमें यहाँ पे जो इंक्लूजन कराना है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए रादर देन सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट एजुकेशन में क्या आपने उनको हक दे दिया कि वो इक्वली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाए लेकिन क्या उनका पार्टिसिपेशन क्वालिटेटिव है क्या उनको वैल्यू किया जा रहा है तो इस तरीके से उनको यहाँ पे एम्फेसिस किया गया है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए ठीक है नाउ अब बारी आती है यूनेस्को के यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये इंक्लूसिव एजुकेशन एक तरह का आ, ये कॉन्सेप्ट है कि प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग दी टू दी दाइवर्सिटी ऑफ द नीड्स ऑफ ऑल दी लर्नर्स कि सारे के सारे लर्नर्स हैं उनकी डाइवर्सिटी को कैटर करना आप यहाँ पे देखोगे जो पर्सन डिसेबिलिटी सेक्शन से बिलोंग करते हैं जो जो कि डिफरेंटली एबल है इनकी नीड्स अलग अलग होती है कोई बच्चे यहाँ पे मेंटली रिटार्डिड होते हैं कोई विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं कोई ऑर्थोपेडिक इनपेयर होते हैं किन किन्नी बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है तो इन सबकी नीड्स अलग अलग होती हैं तो उन सबकी नीड्स को इनकी डाइवर्सिटी को किस तरीके से एड्रेस किया जाए किस तरीके से उनके पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया जाए कल्चरल और कम्युनिटीज़ में और एक्सक्लूजन को रिड्यूस किया जाए तो ये उसके ऊपर ही टिकी हुई है यूनेस्को की डेफिनेशन है यूनेस्को ने कहा है रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन सॉरी अब आपको ये समझ आ गया कि क्या मेन इसका क्रक्स था क्या इसका मेन इंपॉर्टेंस था यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स आते हैं अब बारी आती है ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया रिलेटेड टू इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन अब बारी आती है मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी को डिस्कस करने की सो so बेसिकली ये मॉडल्स क्या है पहले ये जान लेते हैं तो मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी बेसिकली एक तरह का टूल है ये डिफाइन करने के लिए कि इम्पेमेंट किस तरह की है किस तरीके का इम्पेयरमेंट uh, है किस तरीके की डिसेबिलिटी है और किस तरीके से उनकी डिसेबिलिटी के बेसिस पे uh, जो गवर्नमेंट है वो सोसाइटी है वो स्ट्रेटेजाइज करे वो स्ट्रेटेजीज़ डिवाइज करे इनकी नीड्स को केटर करने के लिए ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी आर द टूल्स फॉर डिफाइनिंग द इम्पेयरमेंट फॉर प्रोवाइडिंग अ बेसिस अपॉन विच द गवर्नमेंट इन सोसाइटी कैन डिवाइज द स्ट्रेटेजीज फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ अ डिसेबल पीपल कि किस तरीके से यहाँ पे जो डिफरेंटली एबल है इस सेक्शन के लिए हम स्ट्रेटजीज डिवाइस कराएं ताकि उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो पाए इसके लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं ठीक है चेके? यहाँ पे जो मॉडल्स हैं यूजअली एक तरह का फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करता है या अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि डिजेबलिटी की मेन पर्पज इशू क्या है मेन पर्पज़ क्या है उसके पीछे या मेन ईशू क्या है अभी आपने मेरे साथ अगर रिवाइज किया होगा तो आपको ये पता होगा आईसी मॉडल ठीक है आई मॉडल क्या कर रहा था आई मॉडल भी आपको एक तरह का फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा था ये जानने के लिए कि एक पर्सन है पर्सन डिसेबिलिटी है वो आ, किस तरीके से यहाँ पे इम्पेमेंट इम्पेयरमेंट होता है उसका किस तरीके से यहाँ पे इमपेमेंट के साथ साथ डिसेबिलिटी होती है हो, कैसे हैंडीकेप्ट होता है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहा गया था कि एक पर्सन है जिसको हम पर्सन विद डिसेबिलिटी कह रहे हैं तो वो किस किस बेसिस पे होता है इम्पेयमेंट के बेसिस पे ठीक है या तो उसको किसी बॉडी स्ट्रक्चर में कमी है जिसके वजह से वो उसे हम डिसेबल कह रहे हैं डिफरेंटली एबल कह रहे हैं या फिर उसको हम डिसेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बॉडी के अंदर कोई डिफेक्ट है जिसके वजह से वो जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसको वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिसके वजह से हम उसको डिसेबल कह रहे हैं या फिर Uh, हम उसको हैंडी कह रहे हैं तीनों टर्म्स उन्होंने बताए थे उन्होंने कहा था कि किस तरीके से हम यहाँ पे एक पर्सन डिसेबिलिटी को कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ़ uh, इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडी कैप्टीकैप्ट की स्थिति क्या थी कि जब एक इंडिविजुअल अपनी इम्पेयरमेंट के कारणवश या अपनी डिसेबिलिटी के कारणवश उसको रिस्ट्रिक्शन हो रही है कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने में फुल फ्रीडम उसको नहीं मिल पा रही है फुल वो ऑटोनोमी नहीं मिल पा रही है कि वो सोसाइटी के अंदर इक्वली अपने आप आ, को को आ, वो पार्टिसिपेट कर पाए इक्वल समझ पाए डिस्टिक्शन होना तो ये हम हैंडी कैप्टा रहे हैं इसी तरीके से ये आपको ये फ्रेमवर्क ही बता रहा है ठीक है ये फ्रेमवर्क एक तरह का ये जो आ, जो मॉडल्स है ये आपको एक तरह का वे रिवील करता है कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी इन पर्सन विद डिसेबिलिटी को कैसे लिमिट करती है उनके एक्सेस को या फिर कैसे सोसाइटी प्रोवाइड करती है उनके एक्सेस को एक्सेस टू वर्क एक्सेस टू सर्विसेज एक्सेस टू इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल पावर तो ये आपको मॉडल्स रिवील करता है ऐसी ठीक है तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मॉडल्स एग्जैक्टली exactly है क्या एंड वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस मॉडल अगेन एंड अगेन बिकॉज मॉडल्स प्रोवाइड्स यूर फ्रेमवर्क टू थिंक टू थिंक अबाउट टू गेन द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिसेबिलिटी इश्यूज ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू मॉडल्स यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि दे प्रोवाइड एन इंसाइड इनटू द एटीट्यूड ये आपको एक तरह का इंसाइट देता है एक uh, एटीट्यूड्स में कंसेप्शन्स में कि, कि किस तरीके से सोसाइटी प्रिजडिस uh, करती है ठीक uh, है क्या सोसाइटी का एटीट्यूड है रिलेटेड टू या अगेंस्ट दीज पर्सन जो कि पर्सन विद डिसबलिटी है किस तरीके से प्रिजडिस uh, होते हैं क्या उनके कंसेप्शन इसके पीछे और कैसे उनको वो इम्पैक्ट करता है तो ये सब कुछ हम हमें मॉडल्स के थ्रू ही पता चलता है और ये हमें एक तरह की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मॉडल्स है डिसेबिलिटी का ये मेनली आपके दो फंडामेंटल फिलोसफीज के ऊपर डिपेंड करता है टू फंडामेंटल फिलोसफीज क्या है फर्स्ट फिलोसफी इज पैटर्नलिज्म एंड सेकेंड फिलोसफी इज इंटीग्रेशन वट इज पैटनरिज्म पैटनलिज्म मतलब है कि मेनली uh, इस इस वर्ड का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक तरह का चैरिटी नोशन होना या एक तरह का रिस्ट्रिक्शंस होना कि जो डिसेबल पर्सन को इस तरीके से समझना कि दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी की कम्प्लीटली सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करते हैं और ये कम्प्लीटली ही आपके uh, बोझ है सोसाइटी पे तो इस तरह की फिलॉसफी इस तरह की फिलोसफी को जो फेवर करता है वो है आपका पैटनरिज्म एंड दे कंसीडर द पर्सन विद डिसेबिलिटी एज लाइबिलिटी ठीक है बोझ की तरह समझना ठीक है डिपेंडेंट समझ रहा सोसाइटी के ऊपर कि ये तो सोसाइटी के ऊपर बोझ है किसी काम करने योग्य नहीं है और इस तरह की फिलोसफी ये टेंड करती है एक तरह का ये प्रोवोक करती है कि सोसाइटी के अंदर सेग्रीगेशन हो इनको मेन स्ट्रीम से हटाया जाए इस कम्युनिटी को मार्जिलाइज किया जाए तो ये जो पैटर्निज्म फिलोसफी है ये डिपेंड करती है और ये बता दी है इस इस पर्टिकुलर बिलीफ के ऊपर आधारित होती है कि जो पर्सन में डिसेबिलिटी है ये बोझ है सोसाइटी के ऊपर और इनको सेग्रीकेट करना करना है और ये इनके बेसिस पे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है वेयर इज ओनली दूसरी दु, दु, साइड अगर हम देखें अदर साइड यहाँ पे इंटीग्रेशन फिलोसफी होती है इंटीग्रेशन फिलोसफी इज़ इज़ कम्प्लीटली इन द फेवर ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक तरह का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ये बनाती है ऐसे पर्सन के लिए जो कि uh, जिनको डिफरेंटली uh, एबल है ठीक है यहाँ पे जो डिसेबल पीपल uh, है उनको एज अ कस्टमर ऑफ वर्ट सोसाइटी हैज़ टू ऑफर की तरह देखा जाता है uh, उनको फुल फ्रीडम दी जाती है कि वो अपनी चॉइसेस को एक्सरसाइज कर पाए एम्पावरमेंट हो उनका इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स हो और इंटीग्रेशन हो ठीक है दो तरीके की मेन फिलासफीज है जिसके ऊपर हमारे मॉडल्स हैं वो कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस्ड है ठीक है तो सॉरी ठीक है तो आई, <coughs> तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मेन इसका क्रक्स क्या है अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है ठीक है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है इंक्लूजन क्या है इसके साथ साथ जो मॉडल्स है आपको ये क्या बताते हैं ठीक है चीके? और मॉडल्स कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं बाय दी टू फंडामेंटल फिलोसफी पैटर्निज्म और इंटीग्रेशन ठीक है नाउ uh, अब आ आती है कई तरीके की मॉडल्स को डिस्कस करने की टाइप्स ऑफ मॉडल्स है बेसिकली जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड है ओके okay. सो फर्स्ट मॉडल है जो आप देख सकते हैं विच इज मेडिकल मॉडल मेडिकल मॉडल क्या है मेनली जैसे कि आप ये साउंड कर रहा है कि किसी जो पर्सन डिसेबिलिटी के मेडिकल कंडीशंस के बारे में बता रहा है ठीक है यहाँ पे जो मेडिकल मॉडल है इसको हम किसी दूसरे नेम से भी कंसिडर कर सकते हैं विच कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉडल ठीक है इनके दूसरे नेम्स है ये साथ में लिखे आ रहे अगर आप यहाँ पे Uh, पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो इनके अल्टरनेटिव नेम भी आप एक बार नजर मार के जाइए क्योंकि एग्जाम में इनके अल्टरनेटिव नेम्स भी आने की जो चांसेस है वो काफी होते हैं ठीक है चीके? तो मेडिकल मॉडल uh, को हम यहाँ पे बायोलॉजिकल मॉडल भी कहते हैं बायोलॉजिकल मॉडल अब ये बायोलॉजिकल मॉडल क्या है बेसिकली यहाँ पे जो डिसेबिलिटी है ये कहते हैं कि अगर पर्सन वे डिसेबिलिटी है तो उसकी डिसेबिलिटी का जो कारण होता है वो एक इंडिविजुअल के क्रोमोजोमल एब नॉर्मेलिटीज की वजह से होता है ठीक है क्रोमोजोमल क्रोमोजोमल एब नॉर्मेलिटीज की वजह से होता है ये क्या है जीन्स के अंदर कमी होना हेरिडिटरी कंडीशंस होना जिसके वजह से एक पर्सन है वो क्या होता है वो डिसेबल हो जाता है ठीक है ये आपका मेडिकल मॉडल कह रहा है कि अकॉर्डिंगली वन हु हैज़ रिसिव द डिफेक्टिव जीन्स जिसको डिफेक्टिव जीन्स है डिफेक्टिव जीन का कैरियर है वो ठीक है जिसके वजह से ये आपकी जो पर्सन है वो डिसेबल है उसे किसी तरह की इम्पेयरमेंट है या कमी है ठीक है और ये कम्प्लीटली आपका बायोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है और ये विक्टम होते हैं क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की तो ये इन्होंने कहा है इसके अलावा यहाँ पे uh, कहा है कि दे लार्जली अनकनेक्टेड दोशल और ज्योग्राफ़िकल इन्वायरमेंट इट इज़ समाइम्स रेफर टू एज अ बायलॉजिकल इन्फरिटी ये कह रही है कि ये अनकनेक्टेड है सोशल और ज्योग्राफिकल इनवायरमेंट से लेकिन ये रेफ़र करते हैं बायोलॉजिकल इन्फ्योरिटी कि कोई बायोलॉजिकली कोई कंडीशन ख़राबी होना जिसके वजह से ये मेडिकल uh, कंडीशन है ठीक है यहाँ पर अगर हम देखें तो डब्ल्यू एच ओ का भी इसके अंदर इंक्लूडेड uh, है ये फ्रेमवर्क ये आपको बताता है कि किस तरीके से डॉक्टर्स होते हैं वो इन पर्सन में डिसेबिलिटी को आ, आगे जाके सिग्निफिकेंटली डिवाइस करते हैं ठीक है सेग्रीगेट करते हैं टर्म्स के बेसिस पे, जैसे कि अगर किसी को आ, क, जीन्स का गलत कैरियर है क्रोमोजोमल एक्टिविटीज़ का एब का वो आ, मतलब वो कैरियर है तो, या डिफेक्ट हो रहा है उसको तो जिसके वजह से उसको इम्पेमेंट आ रही है बॉडी स्ट्रक्चर में पेमेंट है डिसेबिलिटी है और हैंडी है ये आपको बता रहा है इसके अलावा जो मेडिकल मॉडल क्या जूम करता है फर्स्ट स्टेप सोल्यूशन इज टू फाइंड अ क्योर। ये कहता है कि मान लो अगर पर्सन है विद डिसेबिलिटी है तो मेन पर्पज तो क्या है अगर आप चाहते हो उनको क्योर करना तो फर्स्ट स्टेप क्या है फर्स्ट स्टेप सोल्यूशन यही है कि उनकी प्रॉब्लम का क्योर जानो इसके अलावा यहाँ पे अवेयरनेस की बात करता है ये मॉडल कि अवेयरनेस जगाओ ठीक है अवेयरनेस यहाँ पे जगाओ कि अगर अगर हम यहाँ पे ये ही नहीं पता कि इन पर्सन में डिसेबिलिटी को कैसे कंसीडर करेंगे तब तक इनका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि अगर आपको यहाँ पे जो पर्सन में डिसेबिलिटी है या डिफरेंटली एबल पर्सन है उसकी डिसेबिलिटी के बारे में ही नहीं पता कि उसको किस टर्म से डिनोट करें कैसे उसे रिप्रेजेंट करें तब तक उसका क्योर नहीं आप निकाल सकते किसी तरह का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते तो मेडिकल मॉडल भी इसी बात पे जोर देता है कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अवेयरनेस होना जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसकी डिसेबिलिटी का टाइप क्या है उसके बारे में अवेयर होना ताकि उसका कोई क्योर निकल पाए कोई सोल्यूशन निकल पाए और कोई ट्रीटमेंट हम दे पाए किसी रेडी रेमिडियल ट्रीटमेंट से वो इम्प्रूव हो पाए तो ये आपको कहता है इसके अलावा कहते हैं कि द ओनली रिमेनिंग सोलूशन इज टू एक्सेप्ट द एब एंड टू प्रोवाइड द नेसेसरी केयर फर्स्ट पहली बात है कि अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उसको आप क्या करो आ, जो डिसेबल पीपल है उसको नॉर्मल कंडीशन में लेकर आओ ठीक है नॉर्मल कंडीशन कैसे होगी अगर उन्हें क्योर करने, करने की कोशिश करो क्योर करो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो लेकिन अगर ऐसी कंडीशन की जब वो कम्प्लीटली क्योर नहीं हो पाता तो नेक्स्ट आपका स्टेप होता है कि उनकी जो डिसेबिलिटी है जो एब है उसे एक्सेप्ट करना सीखो ठीक है ये ये समझो कि ये जो एब आ रही है वो इन ये आ, आप इसको क्योर नहीं कर पाएंगे इनक्योरेबल है तो इसको आप एज इट इज अडेप्ट करना सीखे ठीक है तो ये इन्होंने कहा है इसके अलावा इस इसके अलावा ये आपकी ये भी बात करते हैं कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं जो इन पर्सन में डिसेबिलिटी के लिए पॉलिसीज बना रहे हैं ये इंश्योर कराने की जरूरत है कि इनका इनके अंदर जो प्रोग्राम होगा Uh, वो मेन किसके ऊपर बात करेगा इनके रिहेबिटेशन पे वोकेशनल ट्रेनिंग पे इनकम मेंटेनेंस पे प्रोग्राम्स में प्रोविजन ऑफ एड्स एंड इक्विपमेंट पे ये बात करेगा तो ये इंश्योरिटी की भी बात करते थे कि एवर द पॉलिसी मेकर और स्टेक होल्डर्स मेकिंग द पॉलिसी फॉर द सर्टन सोसाइटी और सर्टन सेक्शन सो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैम टू रिहेबिटेट टू प्रोवाइड दैम द वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट इनकम मेंटेनेंस इनकम मेंस ऑलो कंडक्टिंग दी मेंटेनेंस प्रोग्राम्स एंड अदर प्रोविजंस एड्स एंड एकमेंट तो ये आपको बात करता है ठीक है तो आई होप आपको मेडिकल मॉडल समझ आ गया होगा फर्स्ट कि अगर एक पर्सन है जिसके अंदर uh, वो डिफेक्टिव uh, जीन का कैरियर है uh, या विक्टम है क्रोमोजोमल uh, एम का तो उसको ये कह रही है डिसेबल पर्सन की तरह कंसिडर कर रहे हैं ऑल्सो uh, ये वर्ल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्रेमवर्क है आई का उसको सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे जो uh, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन पर्सन विद डिसेबिलिटी को क्योर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके बारे में अवेयर होना उनको राइट right टर्म से एसोसिएट करना कि वो इम्पेमेंट है या डिसेबिलिटी है हेंडी है इसके अलावा जो सिचुएशन uh, क्योरेबल है उसे क्योर करना लेकिन अगर कोई सिचुएशन इनक्योरेबल है तो उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना अडॉप्ट करना ये इसकी बात करते थे और पॉलिसी मेकर्स ऐसी पॉलिसी बनाएं जो इनको रिहेबिटेट uh, करें वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें इन्हें कम्पिटेंट बनाए इन्हें प्रोविजन्स थे एड्स एंड इक्विपमेंट का ठीक है तो ये तीन इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मेडिकल मॉडल से रिलेटेड थी नाउ नेक्स्ट बारी आती है एक्सपर्ट मॉडल की सो वट इज़ एक्सपर्ट मॉडल एक्सपर्ट मॉडल कहता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए तरह का प्रोसेस कि वो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर पाए इम पे में और उनके लिमिटेशंस में इन्होंने मेडिकल uh, मॉडल का यूज़ करते हुए ही कहा था uh, कि नेसेसरी एक्शन लेने की हमें ज़रूरत है कि हम uh, इनकी सिचुएशन को पोजिशन को इम्प्रूव कर पाए अब यहाँ पर देखोगे आप सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल है कि जो भी टीचर uh, यहाँ बी एड भी स्पेशल एजुकेशन करती है तो वो स्पेशल एजुकेटर की तरह मतलब उन्हें प्रोफेशनल और या एक्सपर्ट का दर्जा दिया जाता है क्यों क्योंकि उनको ये पता होता है कि वो किस तरीके से किस पर्सन को वो ट्रीट कर रही है मतलब उनके साथ कैसे वो जुड़ी हुई है क्या उनकी लिमिटेशंस हैं Uh, उनके पेमेंट्स क्या है तो वो उनके बारे में जानती है और ये भी जानती है कि किस तरीके से इनका एक्शन लिया जाए उनके सिचुएशन को इम्प्रूव करने का तो वही बात ये एक्सपर्ट मॉडल कह रहा है कि एक्सपर्ट मॉडल में बेसिकली जो बात होती है वो प्रोफेशनल्स की होती है प्रोफेशनल्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें आइडेंटिफाई करना है इम्पेमेंट उनकी लिमिटेशंस देखनी है नेसेसरी एक्शन लेने हैं ठीक है इसके अलावा रिलेशनशिप हैज बीन डिस्क्राइब एज अ फिक्सर द प्रोफेशनल एंड द फिक्सी आर क्लियरली कंटेन्स इन इनइक्वालिटी दैट लिमिट्स इन कोलैबोरेशन ये आपको बताया हुआ है ऑल दो प्रोफेशनल में बी केयरिंग इम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी लेस देन बेनिवेलेंट इफ द डिसीजन आर मेड बाय द एक्सपर्ट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इन्होंने कहा है कि जो एक्सपर्ट है एक्सपर्ट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक्सपर्ट को यहाँ पे क्या करना है एक्सपर्ट को एक तरह का कोलैबोरेटिव एटीट्यूड रखना है ठीक है कोलेबोरेशन या कोलेबोरेटिव एटीट्यूड यहाँ पे इनको रखना है आपस में साथ लेकर चलना है इनको एक अच्छा कंड्यूसिव एनवायरमेंट इनके लिए बनाना है शेयर स्पेस बनाना है ठीक है इसके अलावा ये कहते हैं कि एक्सपर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहाँ पे जो क्लाइंट है इनका यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको यहाँ पे इन्फीरियर कंसिडर नहीं करना है कि इसमें किसी तरह की कमी है इसको एज एन क्लाइंट नहीं देखना है ठीक है एज एन क्लाइंट यानी कि मतलब यहाँ पे इन पर्सन को ओवर प्रोटेक्ट भी नहीं करना है ठीक है और चैरिटी का नोशन भी नहीं रखना है इनके खिलाफ तो ये कुछ कंडीशन है अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कई ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो इनको बेचारा समझते हैं कि इनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो इन्हें बेचारा समझ के या चैरिटी का नोशन रख के इनके साथ व्यवहार करते हैं तो ऐसा नहीं करना है ठीक है तो ये आपको एक्सपर्ट मॉडल कहला रहा है इनके साथ कोलेबोरेट करना है ठीक है और इसके अलावा अगर यहाँ पे प्रोफेशनल्स के बीच में और उनके जो क्लाइंट है इनके बीच में अगर किसी तरह का, -का होती है तो ये आपका लिमिट करता है कोलेबोरेशन को तो ये कंडीशन आपको पैदा नहीं होने देनी है ठीक है इसके अलावा आता है चैरिटी मॉडल चैरिटी मॉडल क्या डिपेंड करता है कि किस तरीके से जो डिसेबल पीपल है उनको एज विक्टिम कंसीडर किया जाता है और उनके ऊपर दया भाव रखी जाती है अब देखोगे आप ये देखोगे इनके फेसेस देखो ये है कुछ पिक्चर्स हैं जो सेफ ऑर्गेनाइजेशन की साइड से ली गई है। यहाँ पे कहने को एक ये बहुत अजीब सा आ, ये मैंने नोटिस किया है आ, ये आपने भी देखा होगा सेफ uh, ऑर्गेनाइजेशन है ये कम्प्लीटली बच्चों के बारे में बात करती है उनके वेलफेयर के लिए बात करती है uh, ऐसे सेक्शन के लिए जो वनरेबल है uh, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है ठीक है जो कि ऐसे मार्जलाइज है मार्जिलाइज सेक्शन से बिलोंग करते हैं अब ये क्या करती है उनके लिए फंड रेजिंग की तरह काम करती है लेकिन ये बहुत बड़ी इनकी कमी है कि ये जान इन 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 सेक्शंस के जो बच्चे होते हैं जो बिलोंग करते हैं इनसे उनकी ऐसे पिक्चर्स डाल के देती है जिस ताकि जो कंज्यूमर है वो इनको देखकर दया करें ये गलत बात है ठीक है ऐसे पिक्चर्स आपको पोस्ट नहीं करनी चाहिए ऐसे करने से आप क्या कर रहे हो आप इनको विक्टिमाइज़ कर रहे हो कि इनकी बहुत बड़ी भूल है कि ये डिसेबल है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं करना चाहिए तो यही आपको चैरिटी मॉडल कहला रहा है यही कह रहा है कि चैरिटी मॉडल क्या करता है कि जो डिसेबल पीपल है वो विक्टम है किसी सर्कमस्टांस के वो डिजर्व करते हैं किसी तरह के दया भाव किसी तरह की पिटी और जान जो पे, ये जो टेलीविजन्स ये मीडिया पे इस तरीके की जो पिक्चर है वो ग्राफिकली इलस्ट्रेट की जाती है और इस इनकी इनकी पिक्चर्स के थ्रू ये अपील की जाती है कि हमें फ़ंड दीजिए हमें पैसे दीजिए ताकि हम इनको पढ़ा पाए या इनकी बेहतरी के लिए काम कर पाए ठीक है हालांकि उनका मेन मकसद होता है कि उनको फंड रेज करना इनकी बेहतरी के लिए काम करना लेकिन जाने जाने में वो क्या करते इनको विक्टमाइज़ कर देते हैं ये गलत है तो इसलिए जितनी भी यहाँ पे जो फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्नरेबल सेक्शन के लिए काम करती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि उनको विक्टमाइज ना करें ये बहुत बड़ी जरूरत है ठीक है तो ये ध्यान में रखने वाली बात है ये चैरिटी मॉडल आपको खिला रहा है अगर हम यहाँ पे चैरिटी मॉडल देखें तो ये एक और भी बताता है कि चैरिटी मॉडल एक तरह का आइडिया बताता है कि यहाँ पे जो सेल्फ़ इस्टीम है इन पीपल की वो लो है ये भी आपको बताता है ठीक है कि ये इनकी जो सेल्फ इस्टीम है वो लो है इनको दया भाव से देखिए और इनकी मदद कीजिए तो ये नहीं होना चाहिए चैरिटी मॉडल के अंदर आपको बता रहा है इसके अलावा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें चैरिटी नोशन ना रखते हुए ठीक है एक तरह का कंड्यूसिव शेयर स्पेस इन्वायरमेंट लेकर आना चाहिए कंड्यूसिव वर्क प्लेस लेकर आना चाहिए ताकि इक्वली इनको एम्प्लॉयमेंट मिले पीपल विद डिसेबिलिटी को ठीक है और ये जितने भी एम्प्लॉयर्स uh, है uh, जो दे मेक कंक्लूड दैट मेकिंग द चैरिटेबल डोनेशन मिल दी सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस तो जितनी भी सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस है उसको दूर करवाने में मदद करे इस तरीके से ये काम होना चाहिए ना कि दया भाव करके इनकी हेल्प uh, करना uh, इनकी हेल्प के लिए गुहार करना ठीक है इसके अलावा आता है सोशल मॉडल सोशल मॉडल क्या व्यू करता है सोशल मॉडल व्यू दैट डिसेबिलिटी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनवायरमेंटल सोशल एंड मॉडलिटी बैरियर डेट प्रिवेंट द द पीपल विद इम्पेयरमेंट फ्रॉम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी ये सोशल मॉडल किसके बात करता है कि यहाँ पे जितने भी एटीट्यूडल बैरियर्स आ रहे हैं जो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी डिसिटी को प्रिवेंट uh, कर रहे हैं इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए आ, इसके अंदर आपको पर्सन का पोटेंशियल बढ़ाना चाहिए जितनी भी बैरियर्स आ रहे हैं उनको रिमूव कराना चाहिए सोसाइटी में आप देखोगे यहाँ पे आ, कि किस तरीके से रैम्स होना उनके लिए अवेलेबल कराना एड्स एंड इक्विपमेंट्स होना एड्स एंड इक्विपमेंट्स का प्रोविजन होना रैम्प होना लिफ्ट होना व्हील होना तो ये क्या है ये इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने की बात करें विद इन द सोसाइटी और एक तरह का एनवायरमेंटल सोशल एंड एटीट्यूडल बैरियर्स फ्री होने की uh, बात कर रहा है सोशल मॉडल ठीक है इसके अलावा यहाँ पे एक आता है सोशली अडेप्ट मॉडल सोशली अडेप्ट मॉडल क्या कहता है ये मॉडल इट कंसिडरेट ऑन इंडिविजुअल लिमिटेशन बट टेक द पीपल कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल ये मॉडल किसके बारे में बात करता है कि इंडिविजुअल की लिमिटेशन के बारे में बात नहीं करता है ये बात करता है कि यहाँ पे आपको पीपल की कैपेबिलिटी और उनके पोटेंशियल को देखना चाहिए अगर हम यहाँ पे डिफरेंटली एबल कह रहे हैं किसी पर्सन को तो हमें यहाँ पे डिफरेंटली एबल ऐसे नहीं कंसिडर करना चाहिए कि किसी तरह के की लिमिटेशन है हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि ये डिफरेंटली एबल है जो नॉर्मल इंसान नहीं कर पा रहा ये वो करने में समर्थ है ठीक है इनके पास अलग पोटेंशियल है अलग कैपेबिलिटीज है इस तरीके से हमें इन्हें अडेप्ट करने की ज़रूरत है फिर आता है इकोनॉमिक मॉडल ये इकोनॉमिक मॉडल किसके बारे में बात करता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डिसेबिलिटी इज़ डिफाइंड बाय द पर्सन इनएबलिटी टू पार्टिसिपेट इन दर्क ये मॉडल ये इस बात को इम्पोर्टेंस देता है कि जो पर्सन यहाँ पे डिसेबिलिटी है वो टोटली totally, कॉपरेट uh, uh, नहीं कर पा रहे हैं कम्युनिटी uh, में वर्क कंडीशंस में मतलब वो टोटली totally वर्क नहीं कर पा रहे हैं दूसरों के साथ इनएबलिटी हो रही है पार्टिसिपेट करने में वर्क में ठीक है इम्पेयमेंट के कारण जिसके वजह से इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आ रही है इकोनॉमिक मॉडल क्या है ये प्राइमरी यूज़ किया गया था पॉलिसी मेकर के थ्रू ताकि हम ये असेस कर पाए कि किस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है बेनिफिट्स का और कि कौन यहाँ पे है जो पार्टिसिपेट करने में असमर्थ हो रहे हैं तो उनके लिए अलग से पॉलिसी बनाना ठीक है अलग से बेनिफिशरीज देना जैसे कि आप देखोगे पी डब्ल्यू डी एक्ट आया था उसके अंदर बेनिफिशरीज प्रोवाइड करा रहे हैं सा के अंदर बेनिफिशरी प्रोवाइड की जाती है सप्लीमेंट्री प्रोवाइड की जाती है ताकि इन पर्टिकुलर सेक्शन को हम कुछ फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर पाए ठीक है तो उसके लिए ये आपको इकोनॉमिक मॉडल बात कर रहा है कि पॉलिसी मेकर इस तरीके से पॉलिसी डिज़ाइन करें ताकि ये जो सेक्शन है ये जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो ठीक है और किसी तरह की इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ना हो और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो इसके अलावा आता है रिलीजियस मॉडल ये जो रिलीजियस मॉडल है ये काफ़ी मतलब डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है आपको देखने को भी मिलेगा ये बेसिकली आपके जो सोसाइटी के नेगेटिव एटीट्यूड और सीरोटिपिकल बिहेवियर को दर्शाता है वो कैसे आपने नोटिस किया होगा कि जो भी पर्सन जिसको डिफरेंटली एबल होता है उसको यहाँ पे ये कहा जाता है कि इसके पुराने जन्म का कर्म है ठीक है पिछले जन्म का कर्म है और ये उसका जो जो उसका फल है वो अब खतरा है तो ये रिलीजियस मॉडल से रिलेट करता है और उस पर यहाँ पे कहा गया है कि ये एविल स्पिरिट है ठीक है एविल स्पिरिट है जिसके साथ ये कंडीशन हुई है नेगेटिव इन्फ्लुएंस है हमारे सोसाइटी के लिए तो ये रिलीजियस मॉडल आपको बताता है और ये जो रिलीजियस मॉडल आपको ये भी कहता है कि हमें इस तरीके की जो एटीट्यूड है नेगेटिव एटीट्यूड है उसे दूर करना है ठीक है उसे दूर करना है हमें और जो सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है इसको हमें लोअर करना है ठीक है लोअर करना है जो सोशल एक्सक्लूजन यहाँ पे हो रहा है उसे हटाना है इनको सोसाइटी के अंदर माज यहाँ पे मेन uh, स्ट्रीम के अंदर लेकर आना है सेक्शंस को और इनको सोसाइटी में इंटीग्रेट कराना है ठीक है यह आपको बता रहा है ठीक है आई होप आपको ये सारे के सारे मॉडल समझ आगे होगी इकोनॉमिक मॉडल सोशल मॉडल चैरिटी मॉडल एक्सपर्ट मॉडल मेडिकल मॉडल और रिलीजियस मॉडल ठीक है तो ये सारे मॉडल्स हैं जो आपके है, uh, के के है, uh, कि आपके रिलेटेड है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ये आते हैं डिसेबिलिटी यानी कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर जितने भी आपके मॉडल्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड है ठीक है आई होप आपको समझ आ गया होगा नाउ अब बारी आती है डिस्कस करने की विच इज इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम अब ये इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम क्या है जिसको हम आई ई पी से uh, से रिप्रेजेंट कर करें हैं ठीक है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम ये जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम है जैसे कि साउंड कर रहा है ये हर एक इंडिविजुअल की नीड को कैटर करने वाला प्रोग्राम जो डाइवर्सिटी को कैटर कर रहा है इंडिविजुअल की नीड्स को कैटर कर रहा है नीड्स उन... को कैटर किया जाएगा अगर यहाँ पे एक पर्सन इंटलैक्चुअल uh, डिसबिलिटी uh, है उसकी नीड्स को केटर किया जाएगा तो यानी कि इंडिविजुअलाइज नीड्स को हम केटर केटर कर रहे हैं इस प्रोग्राम में यहाँ पर uh, जो इंडिविजुलाइज एजुकेशन प्रोग्राम है uh, इसमें क्या कह रहा है कि एक तरह का ऐसा एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बच्चों के लिए उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनकी डिसेबिलिटी को को ध्यान में रखते हुए उनकी एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए इसके कुछ दूसरे अल्टरनेटिव्स नेम्स भी होते हैं इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान या फिर इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम प्लानिंग या इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम ठीक है यहाँ पे इंडिविजुअल मतलब क्या है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग ऑफ अ प्रोग्राम मस्ट बी डेवलप टू मीट द एजुकेशन और द लर्निंग नीड्स ऑफ अ सिंगल पर्सन कि जब हम सिंगल पर्सन की नीड्स को फेवर uh, कर रहे हैं उनकी नीड्स को कैटर कर रहे हैं रादर देन अ ग्रुप पर्सन यहाँ पे जो प्रोग्राम प्लान है एक तरह का स्टेटमेंट है स्टेप्स का और इनपुट्स का जो स्पेशली ट्रेनर प्रोवाइड करता है अपने, अपने लर्नर को या अपने क्लाइंट को उनकी एबिलिटीज़ को एनहांस करने के लिए कैरी आउट करने के लिए डे टू तो डे एक्टिविटीज़ और उनके बिहेवियर को मैनेज करने के लिए और उनके बिहेवियर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको अडेप्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि मेनली हम किस तरीके से इंडिविजुलाइज एजुकेशन प्रोग्राम है उसको बनाते हैं तो ये हर उस स्टेट ये हर उस करिकुलम कोऑर्डिनेटर के लिए है या हर एक पर्सन जो स्पेशल एजुकेटर है वो इन सभी स्टेप्स को फॉलो करता है जब उसे किसी तरह का इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम बनाना होता है वो कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप होता है कि जब एक इंडिविजुअल की जो जनरल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो ना अब यहाँ पे आप मान लो आ, किसी बच्चे के लिए यानी कि मेंटली रिटार्टेड बच्चा है उसके लिए आप आ, ये प्लान बना रहे हैं ठीक है ये करिकुलम आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो करिकुलम प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले उस बच्चे की केस हिस्ट्री जानेंगे के, कि वो बच्चा आ, के जो प्रॉब्लम हुई है वो किस वजह से प्रॉब्लम हुई है हेरिडिटरी कंडीशंस की वजह से हुई है या फिर वो विक्टम है जो क्रोमोजोमल एब का इसके वजह से हो रही है या आ, केस हिस्ट्री में ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चा है आ, वो फर्स्ट कहाँ पे आया है सेंटर में आया था इंस्टीट्यूशन में आया था स्कूल में कब आया फैमिली बैकग्राउंड क्या था कहाँ से बिलोंग कर रहा है नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स कितने हैं एजुकेशन लेवल कितना है पेरेंट्स का तो ये सारी सारी जो जानकारियाँ हैं वो आप सबसे पहले लेते हैं रिलेटेड टू तो चाइल्ड और क्या उसके कॉम्प्लिकेशन हैं क्या इलनेस थी उसके जैसे कि प्री हिस्ट्री क्या थी मदर को प्रेगनेंसी के दौरान क्या इलनेस थी ये सब कुछ आप नहीं। इसके अंदर जानते हैं एक तरह के जनरल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो आप लेते हैं फिर सेकंड में जो इन्फॉर्मेशन आती है आपकी वो आती है फंक्शनल असेसमेंट की अब टीचर ने यहाँ पे जनरल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तो ले ली रिलेटेड टू चाइल्ड अब बारी आती है फंक्शनल असेसमेंट को चेक करने की अभी फंक्शन असेसमेंट कैसे चेक करेगी टीचर फंक्शन असेसमेंट चेक करेगी यहाँ पे बच्चे की परफॉर्मेंस देख कर कि एट द टाइम बच्चे के uh, कितने माइल स्टोन से वो अचीव हुए हैं कितनी डेवलपमेंटल कंडीशन है उसकी जो अभी वो है एग्जिस्टिंग स्टेज पे वो कैसे काम कर पा रहा है कितनी फंक्शनिंग उसकी हो रही है उसके लिए जो एजुकेटर है वो डिफरेंट असेसमेंट चेकलिस्ट का यूज़ करती है जैसे कि एम डी पी एस बेसिक एम आर एफ सी ए पी ये बेसिकली जो चेकलिस्ट होती है ये बच्चे के माइलस्टोन स्टोन को चेक करने के लिए होती है फॉर एक्जाम्पल एट द एज ऑफ थ्री के बच्चे को टॉलेटेड हो जाना चाहिए तो क्या बच्चा सच में टॉयलेटेड है बच्चे को फॉलिटिक्स अवेयरनेस होनी चाहिए क्या बच्चा सच में फॉलिटिक्स अवेयरनेस है उसको uh, उसको स्क्रिबलिंग करनी आनी चाहिए उसकी फाइन मोटर्स के होनी चाहिए ग्रॉस मोटर्स के अच्छी होनी चाहिए भागना दौड़ना कूदना तो क्या वो कर पा रहा है कि नहीं कम्युनिकेशन एबिलिटीज कितनी है अपने आप को वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पा रहा है रिसेप्टिव है कि नहीं अपने कर पा रहा है कि नहीं एबिलिटीज कितनी एबिलिटीज कितनी है, है, है किस तरीके कि के से घुल मिल रहा है खेल रहा है क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है साइज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये सब कुछ फंक्शनल असेसमेंट की जाती है जब हम बच्चे के बारे में जेंडर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ले लेते हैं फिर उसकी फंक्शनल असेसमेंट कराते हैं फिर आता है आपका यहाँ पे कि जब उनके एनुअल गोल्स को आइडेंटिफाई करना कि एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम वी आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड विल बी एबल टू लर्न सो सो एंड एक्टिविटी तो ये एक तरह का एनुअल गोल है जो टीचर है वो प्रिपेयर करती है ये जो गोल्स होते हैं ये ब्रॉड स्टेटमेंट्स होते हैं मेनली ये जनरल टर्म्स के अंदर स्टेट किए जाते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन या एट द एंड ऑफ दिस एंटायर द ट्रेनिंग प्रोग्राम व्हाट द चाइल्ड विल बी एबल टू लर्न ठीक है इसके अंदर आपको यहाँ पे पहले से ही बनाए जाते हैं गोल्स गोल्स रिलेटेड टू दी कॉग्नेटिव एबिलिटी या फिर गोल्स रिलेटेड टू दी कम्युनिकेशन एबिलिटी या गोल्स रिलेटेड टू दी फिजिकल एंड मोटर एबिलिटी तो ये सब को जिसके अंदर दिया दिखाया जाता है कराया जाता है एनुअल की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर टाइम पीरियड भी फिक्स किया जाता है ठीक है फिर आता है यहाँ पे आपका Uh, uh, क्या शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म क्या होते हैं छोटे छोटे गोल्स अब यहाँ पे बच्चा है कोई uh, वो मेंटली तो होगा, होगा पे कि वो करना सीख जाए अपने का हाइजीन एंड क्लीनस का ध्यान रखे अपने को ड्रेसिंग एंड ड्रेसिंग करना सीख जाए फील करना सीख जाए हाथ से टॉयलेट हो जाए तो ये छोटे छोटे शॉर्ट गोल्स है तीन से लेके चार महीने तक का इसका मेनली टाइम फ्रेम होता है और ये बनाए जाते हैं स्पेशली जा, किसके ब्रॉडर गोल से पहले ठीक है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उनको uh, कुछ आंसर किया जाता है कि व्हाट द चाइल्ड विल बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर टाइम ऑफ डेशन अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस विल दाइल्ड शो दिहेवियर हाउ विल द चाइल्ड बी एबल टू डू वट ही हैज बिन टॉट फ्टर वट पीरियड ऑफ टीचिंग विल बी रीच दी ऑब्जेक्टिव इन सब क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है इसमें फिर आता है यह आपका आ, आ, यहाँ पे ठीक है ग्रेट फिर आता है आपका फिफ्थ स्टेप जिसको कह रहे हैं फॉर्मुलेटिंग दीचिंग प्लान यह आपका फिफ्थ स्टेप होता है अब जब टीचर सबसे पहले बच्चे के, आ, आ, के पीछे मतलब बच्चे के एंट्री बिहेवियर जान लेती है मतलब उसका एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है उसे असेस कर लेती है फंक्शनिंग को असेस कर लेती है बच्चे का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जान लेती है जो उनके एनुअल गोल्स है वो बना लेती है शॉर्ट टर्म गोल्स बना लेती है अब बात आती है कि टीचिंग प्लान को फॉर्मुलेट करने की ये लास्ट स्टेप होता है इसके अंदर टीचर यहाँ पे हर एक एक्टिविटी को टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यह असाइन करती है ठीक है यहाँ पे टास्क एक्टिविटी है वो टीचर यहाँ पे बनाती है कि हैज टू टू बी टॉट चाइल्ड की वट को क्या पढ़ाना है फॉर एक्जाम्पल यू आर टीचिंग दी मेंटल चिल्ड्रन एज ऑफ ईयर तो उस पांच साल के बच्चे को आपको क्या पढ़ाना है क्या एक्टिविटीज उसको सिखानी है तो वो सब कुछ आप इसके अंदर लिखते हैं क्लियरली डिफाइन करते हैं क्या मटेरियल्स इंक्लूड होंगे क्या प्रोसीजर्स होंगे क्या प्रोसीजर ऑफ इवेलुएशन होगा ईच एंड एवरी थिंग यू आर डिटेलिंग इन योर टीचिंग प्लान मटेरियल्स यहाँ पे क्या, होगे, क्या यूज हो गए क्या रिसोर्स यूज हो गए क्या प्रोसीजर होगा इवेलुएशन का वर्चुअली uh, होगा या फिर वो ऑन ग्राउंड होगा फेस टू फेस इवेलुएशन होगी एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म कर रहे हो तो ये हर चीज इसके अंदर इंक्लूड होती है पे एक तरह का क्राइटेरिया टीचर रखती है एक तरह का स्टैंडर्ड टीचर यहाँ पे पहले से ही प्रिपेयर करती है कि द वे द थिंग शुड बी कि किस तरीके से चीजें होनी चाहिए एक तरह का स्टैंडर्ड एक तरह का बेंच सेट करती है और क्या बिहेवियर वो बच्चे से एक्सपेक्ट करती है अगर इनके बीच में किसी तरह की होती है तो टीचर ये इन्श्योर करती है कि ये जो गैप है इसको फिल करे करेन्सी ना होने दे टीचर एक स्पेशल uh, एजुकेटर की यही एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वो एक्सपेक्ट करती है उसको वो एन्श्योर uh, करे उसको वो फुलफिल करे उस बेंच जो उसने सेट किया है उसको वो uh, उसको वो सेट करे और उसको वो फिल uh, उसको पूरा करे और जो गैप है उसको वो फिल करे बे यही उसका मेन मोटिव होता है यहाँ पे मेनली आपके जो प्रोसेस होता है शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है कि जो प्रोसेस होता है मेनली उसी स्टेप्स में चलता है जो हमने जनरली अपने आमतौर करिकुलम जो बनाया उसी उसी बेसिस पे जो प्रोसेस क्या होता है इंडिविजुअली जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम का वो होता है कि सबसे पहले असेसमेंट करना असेसमेंट यानी कि फंक्शन असेसमेंट करना सॉरी फंक्शनल फंक्शन प्लान के अंदर आप गोल सेट करते हो फॉर्मुलेट करते 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 हो करते हो करते हो प्रिपेयर टीचिंग प्लान फिर आप एक तरह का रिलेशनशिप देखते हो ठीक है और जो आपने आईपी बनाया है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम बनाया है या प्लान बनाया है उसको आप एग्जीक्यूट करते हो एग्जीक्यूट करने के बाद आप उसको मतलब एक्शन में लेकर आते हो फिर असेसमेंट करते हो ठीक है लास्ट में जाके इवेलुएट करते हो ठीक है कि कितना हमको रिजल्ट मिला तो इस तरीके से पूरी प्रोसेसिंग होती है प्रोग्रामिंग होती है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम की और ये जो स्टेप्स है इसके अंदर इन्वॉल्व होते है ठीक है और आ, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कफ हो रहा है इसके वजह से आ, यहाँ पे आ, मेरी आपको आवाज है वो थोड़ी बदली लगेगी चेंज होती हुई दिखेगी ठीक है तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन आई होप आपको आज का सेशन सही लगा होगा और जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बताई है रिलेटेड टू एवरी जो कॉन्सेप्ट क्या है uh, इसके अलावा मॉडल्स क्या क्या होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं है, 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 और इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम या इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान क्या होता है आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट सेक्शन ऑल्सो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ऑल्सो ऐसे ही पढ़ते रहिए अपने गोल जे को हंड्रेड परसेंट अचीव करिए और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो मिल जाए आसानी से ठीक है एंड ऑल दी बेस्ट फॉर जे आर एफ जे आर एफ के प्लानिंग कीप ग्रोइंग स्टे ब्लैस एंड स्टे सेफ थैंक यू एवरी